वैसे एक बात बताएंगे अंकल, आपके पास ये वॉच कैसे आई? मुझे भी एक चाहिए। मुझे काम के लिए हमेशा एग्जैक्ट टाइम रखना होता है। एक ग्रीम रीपर को एक वॉच रखनी पड़ती है। मुझे पसंद है। ये रहा तुम्हारा ब्रेकफास्ट, पसंद है तुम्हें? ये देखो ये देखो, ये ग्रिम रीपर पहले भी लापरवाह था और आज भी लापरवाह है। जानते हो बातों बातों में तुमने अभी क्या बोल दिया? नोखुआ को पता चल गया कि तुम कौन हो। आपको तो मैंने पहले ही पकड़ लिया था। जब आप घर पे आए तो आपकी पूरी बॉडी में आग थी। मैं तो तभी समझ गया था। बहुत ही केयरलेस हो तुम गॉब्लिन। निकुआ, विश्वास करना मुश्किल होगा लेकिन तुम्हें जानना जरूरी है। बोलो। ये जो अंकल है वो गॉब्लिन है और तुम हॉल में रहते हो, तुम्हें ग्रिम रीपर हो। तुम कैसे जानते हो? हमने गला फाड़ के कहा अभी। एक मिनट रुको, एक बात बताओ, इतना कुछ जानने के बाद भी शांत कैसे हो? मैं जब 6 साल का था तो दादाजी तुम्हारी कहानियां सुनाते थे कि मेरे एक अंकल हैं वो गॉब्लिन हैं और हमारी आने वाली जनरेशन को गॉब्लिन सर्व करेंगे। पहले मुझे लगा कि वो कुछ अजीब सी कहानियां सुना रहे हैं। मुझे बिल्कुल ही भरोसा नहीं था कि ये सच हो सकता है। मैं समझ सकता हूँ, इस बारे में सोचना भी मुश्किल होगा। तुम साबित करके दिखाओ। मैंने कहा तुम साबित करके दिखाओ कि तुम दोनों इंसान नहीं हो। कैसा लगा? पहली बार टेलीकिनेसिस देख रहे हो, कैसा लग रहा है? ये इंसान भी कर सकते हैं। तुमने डेविड कॉपरफील्ड का नाम नहीं सुना? निकल लो। क्या तुम और कुछ दिखा सकते? पहले तुम्हें मुझे फॉलो करना पड़ेगा और पहुंचने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि वो एक अच्छी जगह नहीं है। अंकल, अगर भाग्य में लिखा है तो कुछ नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छा लड़का था ये। मैं बदला लूंगा इससे पहले कि मैं उनसे अटैच हो जाऊं। अरे अंकल, जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मुझे तो बस ये जानना था कि उस नासा की सॉन्गबुक ब्रांच में क्या हुआ था। अंकल जी, अंकल जी, अंकल, अंकल।